बीती शाम नांगल चौधरी में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह के सदस्य को करीब 40 लाख रुपए की कीमत का एक क्विंटल के करीब गांजा और करीब 1.5 लाख रुपए कीमत का सल्फा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को माल सहित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। बीती शाम एएसआई कुलदीप को सूचना मिली थी, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा इन बैगों में गांजा और सल्फा भरा हुआ है, जिसे राजस्थान के अलवर से लाकर नांगल चौधरी के मेघोत बेंजा में परचून के सामान के साथ सप्लाई के लिए रखा था। नांगल चौधरी पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि मेघोत बेंजा गांव के विक्रम गांव में अवैध गांजा बेचता है, जिस पर नांगल चौधरी पुलिस ने तुरंत एक रैंडिंग पार्टी तैयार करी। आरोपी के घर रेड की और आरोपी से लाखों रुपए का जखीरा बरामद किया। कल एसआई कुलदीप को इतला मिली कि विक्रम सनोपलसीधर मेघोत बेंजा का है, जो मादक पदार्थों की तस्करी करता है, जिसमें इन्हें उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। हम मौके पर आए, उसके हमने तलाशी ली। उसके घर से 3 किलो 50 ग्राम सुल्फा और करीब 92 किलो 870 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जो उसको उस मामले में गिरफ्तार किया है। इसके तार राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हमने एक टीम भेजी है। और इसकी चोर बाजारी जो मार्केट है, इस मार्केट में करीब 40 लाख कीमत का यह माल है। सर, कहाँ से आता था, कहाँ जाता था ये? नारनौल में क्या ये पॉइंट था सेल आउट का, या आगे भेजने के लिए, बीच में रखने के लिए माध्यम में रखना चाहिए? अब तक की पूछताछ से ये राजस्थान में अलवर से माल आया है, वहाँ का आदमी इसको देके जाता था, जिसके लिए हमने टीम भेजी हुई है। और परचून के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े बना के, पुड़िया बना के, और इसकी सप्लाई थी आसपास के गांव में। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी इसमें एक आदमी गिरफ्तार किया है, जिसने ये बाल कुछ बाल बेच भी दिया, उसके भी पैसे इसके पास मिले हैं। करीब 32,000 रुपये के आसपास की करेंसी नोट, 10-10, 20-20 रुपए के नोट मिले हैं। इस पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी इसके पास था, पोलथीन वगैरह भी थे जिनमें पुड़िया बनाया करता, ये सारी चीज़ें हमने रिकवर कर ली। इलेक्शन का समय है क्या, नांगल चौधरी पुलिस और जिले की अगर बात करें तो मुस्तैद है, तो और भी इस तरह की आगे पुलिस ने इलेक्शन के संबंधित भी नाके लगाए हुए हैं, और समय समय पर जहाँ भी कोई मुखबिरी मिलती है तो वहाँ पुलिस अपना काम कर रही है। ये सर गिरफ्तार जो किया गया है उस क्या उसका नाम क्या है सर? इसका नाम विक्रम सनो बंशीधर गांव में बहुत बिंजा रहने वाला है। कैसे आपने इसको अपने उसके काबू में लिया, कोई डिकोय भेजा या कैसे? जैसे पुलिस कुलदीप एसआई गांव के आसपास वहीं गश्त पर थे, तो इनको इतना मिली अब ये लड़का विक्रम नाम का लड़का गांव में मादक पदार्थों की बिक्री कर रहा है, चोरबाजारी कर रहा है, तो इसी इतला पर इन्हें अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करें, हमें भी मौके पर बुलाया। तो सीधी रेड मारी या कोई आदमी को, कोई सिविलियन को? नहीं नहीं, जाके तलाशी ली, तलाशी ली, घर में जाके तलाशी, तलाशी में मार मिल गए। तो ये सर आरोपी मौके पे गिरफ्तार हो गया, आरोपी मौके पे गिरफ्तार है, जिसको आज कोर्ट में पेश करके आगे फर्दर रिमांड दिया जाएगा।